और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां हाथरस में एक बड़ा हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक सत्संग चल रहा था और इस सत्संग में अचानक भगदड़ मच गई। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भगदड़ में 27 लोगों की मौत हो गई। हाथरस के सीएमओ ने 27 लोगों की मौत की पुष्टि की है। मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ने की आशंका है। ये 27 का आंकड़ा तो वो है जिसकी अभी तक सीएमओ की तरफ से पुष्टि कर दी गई है। और मरने वालों में 23 महिलाएं, 3 बच्चे, 1 पुरुष, अभी तक ये जानकारी सामने आई है। ये भगदड़ जो है वो हाथरस का सिकंदरा राव थाना इलाका, यहीं पर फुलरई गांव है। इसी फुलरई गांव में भोले बाबा का सत्संग चल रहा था और भोले बाबा के सत्संग में अचानक से बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर अफवाह फैली और देखते ही देखते ऐसी भगदड़ मची कि लोग समझ नहीं पाए और 27 लोगों की अब तक मरने की पुष्टि खुद सीएमओ की तरफ से कर दी गई है। अस्पताल में भीड़ लगी हुई है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इस हादसे पर दुख जताया है। सीएम योगी ने रिपोर्ट तलब कर ली है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसी वजह से इन तस्वीरों को कुछ धुंधला करके हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, फुलरई गांव था जहां पर ये भोले बाबा का सत्संग चल रहा था और यहां पर जो भगदड़ मची इसके बाद लोगों को किस तरीके से अस्पताल लाया जा रहा है, ये वो तस्वीरें हैं। अपनों को लेकर जो गाड़ी, ट्रक, टेम्पो, ट्रैक्टर लोगों को मिला उससे लेकर अपनों को वो भागे, अस्पताल पहुंचे। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं राकेश से अभी ग्राउंड पर अपडेट क्या मिल रहा है। राकेश, आंकड़ा बताइए, अभी क्या सामने आ रहा है। देखिए, आपको बता दूं, ये जो हादसा हुआ है, भोले बाबा के सत्संग आयोजित किया जा रहा था और जैसे ही सत्संग खत्म हुआ है उसके बाद भगदड़ मची है बाहर निकलने के लिए। इससे भीड़ में 70 जिन लोगों की मौत हुई है। अभी तक मैं एटा मेडिकल कॉलेज में खड़ा हूँ, यहाँ 27 डेड बॉडीज आ चुकी है और अभी ये संख्या बढ़ भी सकती है। कुल मिलाकर जो मृतक है उनकी बॉडीज को आसपास के जनपदों में भी भेजा जा चुका है, तो कुल मिलाकर आंकड़ा तो बढ़ सकता है, लेकिन एटा में 27 डेड बॉडीज अभी रखी हुई है। तो ये 27 जो मरने वालों का आंकड़ा है वो बता रहे हैं आपके एटा मेडिकल कॉलेज में अभी तक 27 शव पहुंचे हैं। और ऐसे में साथ में आप ये भी जानकारी दे रहे हैं कि ये वारदात भयावह है और ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। तो जानकारी क्या मिल रही है, भगदड़ मची क्यों अचानक से, क्या हुआ था? देखिए, आपको बता दूं, भोले बाबा का जो सत्संग होता है उसमें लाखों लोगों की भीड़ पहुंचती है भक्तों की, और उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध नहीं होते, एग्जिट नहीं होता और आसपास के जो भागने बाहर निकलने के जो दरवाजे हैं वो नहीं होते। आप बताया ये भी जा रहा है कि इसकी पूरी तरह से परमिशन भी नहीं ली गई थी, तो कुल मिलाकर जैसे ही सत्संग खत्म हुआ है तो भोले बाबा के पीछे पीछे उनके भक्त जाकर के देखने वाले हैं कि वहाँ पे क्या जो घटना का स्थिति है वहाँ पे स्थल पे जाकर के, और जैसा होगा अभी हम लोग अवगत कराएंगे। इसी को लेकर आप लोग रवाना सर, अभी हाथरस से एक बड़ी घटना सामने आई है जिसके बाद आप लोग भी वहाँ पे जा रहे हैं। जी, हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी को द्वारा निर्देश दिया गया है कि एक बड़ी घटना हाथरस में घट गई है और मौके पे हम लोग स्थिति का जायजा लेकर के और सरकार के द्वारा जो भी वहाँ पे उचित निर्णय लेने हैं उसको उचित निर्णय लिया जाए। और हम लोग, क्योंकि घटना काफ़ी लोग, इसमें संख्या अभी तक बढ़ती चली जा रही है लगातार, हम सब लोग जा करके देखने वाले हैं कि वहाँ पे क्या जो घटना का स्थिति है वहाँ पे स्थल पे जा करके, और जैसा होगा अभी हम लोग अवगत कराएंगे। तो ये राज्य मंत्री संदीप सिंह को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से जानकारी दी जा रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरी वारदात पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सरकार को अलर्ट कर दिया गया है और जो राज्य मंत्री हैं वो भी इस समय हाथरस के लिए निकले हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश लगातार बने हुए हैं, अपडेट दे रहे हैं वो। और ये तस्वीरें एबीपी न्यूज पर अमूमन हम अस्पताल के भीतर की तस्वीरें नहीं दिखाते हैं, लेकिन इस बार ये वारदात, ये घटना ऐसी है, ये हादसा ऐसा हृदय विदारक है कि एबीपी न्यूज भी अपने आप को नहीं रोक पाया। आप तक ये तस्वीरें पहुंचाना बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये बदइंतजामी किस तरीके से लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गई। जैसा कि हमारे सहयोगी राकेश अभी बता रहे थे कि सत्संग, जिसमें अमूमन ऐसा होता है कि जितने भक्तों के पहुंचने की उम्मीद होती है, अक्सर देखा गया है कि उससे कई गुना ज्यादा संख्या में भक्त पहुंच जाते हैं, जो इंतजाम है वो पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे और इसी वजह से ये बड़ा हादसा। हाथरस हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहला बयान सामने आ गया है।
घटना की जांच के आदेश योगी आदित्यनाथ की तरफ से दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश का हाथरस जहां सिकंदरा राव थाना और उसी थाने क्षेत्र में आता है फुलरई गांव, जहां ये हादसा हुआ है। एडीजी आगरा कमिश्नर अलीगढ़ जो है वो इस हादसे की जांच करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जल्दी से आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं संजय से, हादसा इतना बड़ा है और अब ऐसा लग रहा है कि पूरी कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में ले ली है। सरकार प्रशासन सबको अलर्ट, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं इस समय संजय। बिल्कुल रोमाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं उनसे पूरी घटना के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा डीजीपी प्रशांत कुमार और चीफ सेक्रेटरी दोनों घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। दोनों जा करके पूरा जो राहत और बचाव कार्य है उसकी समीक्षा करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना में लापरवाही किसकी है। ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था भोले बाबा की ओर से, उसके लिए परमिशन किसने दी थी, साथ ही साथ जो श्रद्धालुओं को वहाँ पर पहुँचना था उनकी संख्या कितनी थी और क्या उस संख्या में ही लोग वहाँ मौजूद थे या उससे कहीं ज़्यादा लोग वहाँ पर आए थे, पुलिस के जो इंतज़ाम थे वो कितने पुख्ता थे, लापरवाही किस स्तर पर की गई है, ये सारी जाँच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने अधिकारियों के माध्यम से कर रहे हैं और सीधे पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट ले रहे हैं। माना जा रहा है कि देर रात तक इस पूरे मामले की गाज भी स्थानीय अधिकारियों पर गिर सकती है, कुछ अधिकारियों का निलंबन हो सकता है, कुछ अधिकारी हटाए जा सकते हैं, ऐसा हमारे सोर्सेज जो मुख्यमंत्री कार्यालय के हैं वो लगातार बता रहे हैं। तो ये बड़ी घटना है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी घटना में जो मॉनिटरिंग है, जो जायजा है, वो उसकी कमान खुद संभाली हुई है। एक एक पल का वो अपडेट इस वक्त ले रहे हैं मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, क्षमा कीजिएगा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद लगातार उनको पूरी घटना के बारे में अपडेट कर रहे हैं, बार बार वो पूरे मामले की जानकारी जुटा रहे हैं। रोमाना, तो मान के चलिए ये बड़ी घटना है और इसका संज्ञान भी मुख्यमंत्री के स्तर से लिया गया है। संजय मुझे ये बताइए आप, क्योंकि हाथरस और यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज उस रूप में इतनी ज्यादा नहीं है कि सैकड़ों की तादाद में अगर लोग इस भगदड़ की चपेट में आए हैं तो उनको सहायता पहुंचाई जा सके। एटा मेडिकल कॉलेज से राकेश हमारे सहयोगी अभी जुड़े थे और वो कह रहे हैं उनकी आंखों के सामने वहां पर 27 शव रखे हुए हैं। ऐसे में ये हाथरस के आसपास के और कौन कौन से जिले जहां पर इस वक्त जो घायल हुए उनको रेफर किया जा रहा है, इसको लेकर क्या अपडेट है संजय? देखिए रोमाना, दो जिले हैं, एक तो एटा है और दूसरा अलीगढ़ है। इन दोनों जगहों पर जो घायल हैं, जो मृतक हैं, उनको ले जाया जा रहा है और यहीं पर जो उपचार है उसकी समुचित व्यवस्था कराई जा रही है। साथ ही साथ आने जो आसपास के जिले हैं, बुलंदशहर है, जो हापुड़ हैं, इन जो भी जिले आसपास पड़ते हैं, उन सभी जगहों से जो मेडिकल की टीम है, जो एम्बुलेंसेज है, उनको भी मौके पर रवाना किया जा रहा है। चूँकि रोमाना मृतकों की संख्या अभी तक 27 से ज़्यादा हो चुकी है और उसमें जो घायल हैं उनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, उनके उपचार के जो इंतज़ाम है वो नाकाफ़ी है। हाथरस छोटी जगह है और हाथरस का जो कस्बा सिकंदरा राव है, यहाँ फुलरई गाँव में ये घटना है, वहाँ आवश्यक संसाधन चिकित्सा के उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में अलीगढ़ और एटा के भरोसे ही यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और यहीं पर जो मृतक हैं, जो घायल हैं, उनको भेजा जा रहा है। और साथ ही साथ जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं वो भी इस पूरे मामले में जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जाने वाली कार्रवाई है, वहाँ जो संसाधनों को उपलब्ध कराया जा सकता है उसके बारे में भी जानकारी ले रहे हैं। और जो स्वास्थ्य की टीमें हैं, जो आसपास की CSC हैं, PSC हैं, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनको घटनास्थल के लिए रवाना किया गया है। सारे के सारे जो आवश्यक उपकरण हैं, जो इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज होती हैं, वो घटनास्थल पर मुहैया कराने की कोशिश लगातार की जा रही है। घायलों की संख्या हम क्यों कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जिस वक्त ये भगदड़ मची है उस समय सत्संग में 50,000 लोग मौजूद थे। मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मतलब ये हाथरस के आसपास के जो इलाके हैं वहां तक से लोग पहुंचे हुए थे ये भोले बाबा का सत्संग सुनने के लिए, और इसी दौरान यहां पर ये भगदड़ मच जाती है। आप सोचिए जरा, ये भगदड़ मचती है वो भी गर्मी के इस मौसम में, किस तरीके से लोग जो है वो गर्मी और उमस की वजह से दम घुटता हुआ उन्होंने अपना महसूस किया होगा, किस तरीके की वहां एक
बुद्धि बनी होगी, हृदय विदारक। ये तस्वीरें जो अब सामने आ रही हैं और गवाही दे रही हैं कि कितनी दर्दनाक मौत लोगों के नसीब में आई है, उन लोगों के जो गए थे सत्संग सुनने के लिए। संजय त्रिपाठी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, गर्मी उमस ये वजह तो नहीं हो सकती है ना भगदड़ की? यकीनन इसके पीछे वजह कुछ और रही होगी। कहां हो रहा था ये सत्संग? किसी खुले मैदान में हो रहा था, किसी बड़े हॉल में हो रहा था, कहां पर हो रहा था? एंट्री एग्जिट पॉइंट उसका ध्यान नहीं रखा गया क्या? प्रशासन को क्या सूचना दी गई थी? कितने लोगों की शामिल होने की अनुमति ली गई थी? कहां पर शुरुआती नजर में खामी नजर आ रही है? संजय, बहुत सारी जानकारियां रोमाना अभी मिलना बाकी है, लेकिन ये जानकारी मिली थी कि जो अनुमत संख्या थी उससे कई गुना लोग मौके पर पहुंचे हुए थे और इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को नहीं हो पाई थी। ये अलग बात है कि मौके पर जो मौजूद पुलिसकर्मी हैं उनको ये अपडेट ऊपर देना चाहिए था, जो देने में शायद चूक हुई है। अभी बहरहाल लापरवाही किस स्तर पर इसकी तो जाँच चल रही है, लेकिन ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि लापरवाही हुई है और उसी की परिणति है कि इतने सारे लोगों की जान चली गई है। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा था वहां भोले बाबा, जब कार्यक्रम सत्संग का समापन हो गया है तो उसके बाद भोले बाबा का जो काफिला था वो सत्संग के एक ओर से निकला है और सारे जो श्रद्धालु वहां पर मौजूद थे एक नजर भोले बाबा को देखने के लिए, उनके करीब जाने के लिए उस ओर उमड़ पड़े और इसी की वजह से एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारी भीड़ जमा हो गई, जिसको नियंत्रित कर पाने में जो स्थानीय पुलिस और प्रशासन के लोग थे वो नाकाम साबित हुए और उसी की वजह से धक्का मुक्की हुई। और उसके जैसा आपने बताया, गर्मी और उमस भी एक बड़ा कारण था इसके पीछे, तो उसी वजह से उसी समस्याओं के चलते ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ हुआ है। बहरहाल अन्य जो जानकारियां हैं लापरवाही के बारे में, तो जो मतलब है, आप ये बता रहे हैं अभी तक जो जानकारी मिल रही है ये भी मालूम चल रहा है, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। वो डेढ़ तो आज चले गए, आई समझ लिया कितने लोगों की मौत हुई, दुर्घटना हुई तो आदमी चले गए यहाँ से 200 के लगभग चले गए। और एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं, आगे को अप्लाई नहीं कर रहे, ट्रीटमेंट नहीं अभी तक कोई ले पा रहे, क्या करेंगे? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, बताइए हमने कैच कैच के लाया, इनमें सांस चल रही है, जाने वो सही काम हो रही है, कोई सांस तक नहीं है अभी तक, ना डरो ना मंत्री एसपी कोई नहीं है यहाँ पर, डॉक्टर नहीं है, नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा रहा है, सीरियस होगा उसमें ड्रिप लगा दे, लगभग कितने लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर? 200 से निकल गया, 200 से ऊपर हो गए, अभी प्रशासन अभी तक सुनने वाला नहीं है, 1.5 घंटा हादसे को हो गया, अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे, सीएमओ साहब अभी तक आए नहीं है, 200 मौतें लगभग हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है, ऑक्सीजन लगी। तो देखिए ये स्थानीय लोग हैं, ये वो लोग हैं जो इस हादसे के चश्मदीद भी हैं और भुक्त भोगी भी आप कह सकते हैं, जो अपनों को यहाँ कई तो मदद मांगकर किसी गाड़ी में डालकर, कोई अपने कंधे पर उठाकर अपनों को यहाँ अस्पताल तक लेकर पहुंचा है, लेकिन शिकायतें आप खुद सुन रहे थे इन लोगों की कि डॉक्टर नहीं, स्वास्थ्यकर्मी नहीं, ऑक्सीजन नहीं और ड्रिप लगाने तक की कोई व्यवस्था नहीं। हमारे सहयोगी राकेश भदौरिया इस वक्त मौजूद हैं इसी अस्पताल के बाहर से, जरा उनसे जानते हैं, तस्वीरें दिखा पाएंगे आप और अभी कैसी स्थिति है यहाँ अस्पताल में, कितने घायल जिन्हें यहाँ लाया गया है? राकेश, राकेश मेरी आवाज मिल रही है? राकेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, मैं दोबारा से आपको लेकर चलती हूँ अपने सहयोगी संजय त्रिपाठी के पास और जरा संजय से जानते हैं। संजय, ये भोले बाबा जिनको लेकर आप कह रहे हैं कि सत्संग खत्म हो चुका था और उनका काफिला जब आगे बढ़ा तो वो श्रद्धा इतनी अपार थी इन श्रद्धालुओं में कि उनकी एक झलक पाने के लिए जिस तरफ वो आगे बढ़े उसी तरफ ये रेला एक तरीके से श्रद्धालुओं का उनके पीछे पीछे आगे बढ़ चला और कहीं ना कहीं ये भी एक वजह इस भगदड़ की बताई जा रही है। उन भोले बाबा की अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए अभी उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही, लेकिन रोमाना मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी आपके पास। राकेश मुझे नजर आ रहे थे अभी स्क्रीन पर, लेकर आइए राकेश को। राकेश मेरी आवाज मिल रही है तो यहाँ अस्पताल के बाहर आप मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाइए और जरा हालात बयां कीजिए अभी।
जी आपको बता दूं, ये मेरे पीछे जो लोग दिखाई दे रहे हैं, ये जो मृतक हैं श्रद्धालु, उनके परिजन हैं और ये यहाँ आए हुए हैं। ये राकेश जी अपने कैमरामैन से कहिए कैमरा घुमा दे जरा, दिखा दे तस्वीरें आपके पीछे वाली। जरा मैं कहूँगा अपने कैमरा पर्सन, जरा कैमरा घुमाकर दिखाएंगे, ये जो परिजन है, जो मृतक है, उनके परिजन यहाँ आए हुए हैं और पूरी तरह से ये अपने अपने जो मृतक लोग हैं उनकी बॉडीज को ढूंढ रहे हैं और पूरी तरह से जो इनके श्रद्धालु हैं, श्रद्धालु जो है मृतक जो है उनको ढूंढने के लिए आए हुए हैं। राकेश जी, यहाँ जो आसपास आपके लोग हैं जो अपनों की तलाश में यहाँ पर बैठे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं, उन्हीं से जरा बात कर लीजिए। जरा अपने आसपास 5-7 लोगों से बात कीजिए। चलिए चलिए, हम बात कराने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? कांति देवी, ये बताइए आप यहाँ कौन, आपके कौन गए थे श्रद्धालु यहाँ पर? नंदी, क्या हुआ है? भगदड़ में कितने लोग गए थे परिवार के वहाँ पर? आप भी गए थे सुनने? तो कैसे मची भगदड़ पलंग से ले लाओ भैया ने को मैंने तो सबको भगदड़ एकदम दाब नीचे, एकदम खाई पैसे नीचे गिरे, सड़क पे सामने दबके दब गए सामने। कितने लोग जान गवाई है? देखो तो एक तरफ जो राकेश हैं वो बातचीत कर रहे हैं जो मृतक और अपनों की तलाश में जो लोग बेचैन हैं उन परिवार के लोगों से, और इस बीच ये मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। ये दरअसल वो जो फुलरई गांव है जहाँ पर सत्संग चल रहा था उसी जगह की ये तस्वीरें हैं। आप कह सकते हैं कि ये घटना स्थल की तस्वीरें हैं। जरा देखिए यहाँ पर इस वारदात के बाद भी, इस हादसे के बाद भी हुजूम अभी भी यहाँ लोगों का जो मौजूद है उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस समय ये भगदड़ मची होगी उस समय यहाँ कैसा अफरा तफरी का माहौल रहा होगा, उस समय यहाँ लोगों का कैसा सैलाब रहा होगा। अब तो यहाँ से कुछ भीड़ छटती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी भी यहाँ इतनी भीड़ कि आप देखकर समझ सकते हैं कि बीच दोपहर में जिस समय ये सत्संग समाप्ति की ओर होगा और जब वो भोले बाबा समापन के बाद निकले होंगे और उनकी अपार श्रद्धा में डूबे श्रद्धालु उनकी एक झलक पाने के लिए जब उनके पीछे पीछे चले होंगे, तो वो लोगों का रेला और किस तरीके से यहाँ वो भगदड़ मची होगी, कैसे लोग जमीन पर गिरे होंगे, कैसे दूसरे उनके ऊपर आकर गिरे होंगे और कैसे दबते चले गए होंगे कई लोग, कैसे सांसें उनकी घुटती चली गई होंगी इस गर्मी और उमस में, कैसे उनका दम निकला होगा। मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की लगातार आशंका बनी हुई है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश इस वक्त मौजूद हैं। राकेश, अस्पताल के बाहर आप मौजूद हैं, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो वहां पर अपनों की तलाश में होंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस इंतजार में होंगे कि कोई उनके अपने का इलाज आकर कर दे वहां पर, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो शायद किसी शव के साथ वहां पर बैठे होंगे। बातचीत कीजिए उन लोगों से, जानिए उनके दर्द के बारे में। राकेश, देखिए यहाँ पर जो हुजूम है, लोग अपने अपने जो परिजन उनको तलाशने के लिए आए हुए हैं। 27 डेड बॉडीज हैं, इसमें 23 महिलाएं हैं, इसमें 3 जो है बच्चे हैं, 1 पुरुष है। कुल मिलाकर यहाँ अभी अफरा तफरी का माहौल है, लोग अभी पहचान भी नहीं पा रहे हैं। प्रशासन भी अभी जो मृतक है उनकी शिनाख्त करने का काम कर रहा है, उनको एक एक करके आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उसके बाद ही पता चलेगा कि ये कहां से आए थे। समझा जाता है सत्संग में दूर दराज के प्रांतों के लोग भी आए हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कुछ अता पता नहीं है, कुछ लापता भी हैं, अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। आपको बता दूं इतना लापरवाही का ये हादसा है। यहाँ बताया जा रहा है कि जो पूरा पंडाल था जहाँ पर ये सत्संग हो रहा था, वहाँ ना तो एग्जिट का पर्याप्त इंतजाम था, ना ही क्राउड मैनेजमेंट का कोई व्यवस्था की गई थी और इसकी परमिशन भी नहीं ली गई थी। तो समझा जाता है कि इतना बड़ा कार्यक्रम कैसे आयोजित कर लिया गया। इस पर जब जांच होगी तो निश्चित ही जिला प्रशासन की लापरवाही निकल के आएगी। अभी अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी इंक्वायरी के जांच दे दिए हैं। ADG आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ इसकी जांच करेंगे और जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके बाद ही कार्रवाई होगी। लेकिन निश्चित रूप से बहुत बड़ा हादसा है, लोगों की रूह कांप गई है ऐसे मंजर को देखते हुए। ऐसे जो भक्त थे, जो श्रद्धालु थे, वो बिलखते हुए घूम रहे हैं, अपने प्रियजनों को, अपने परिजनों को तलाशते हुए घूम रहे हैं और ये मंजर है ये देखा नहीं जा रहा।
बिल्कुल मंजर ऐसा है जो देखा नहीं जा रहा है, और लगातार वो रोने की आवाज़ है, वो विलाप की आवाज़ है, वो चीखों पुकार पीछे सुनाई पड़ रही है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, घटनास्थल की तस्वीरें, जब ये हादसा हो गया उसके बाद की तस्वीरें, और देखिए किस तरीके से जो लोगों को अस्पताल लाने का सिलसिला था उसकी भी कुछ तस्वीरें सामने हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन धुंधला कर क्योंकि तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसीलिए मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ, लेकिन तस्वीरें इसलिए दिखाना जरूरी है ताकि इनसे सबक लिया जा सके। और आइए सीधे जरा रुक करते हैं, सरकार के मंत्री लक्ष्मी नारायण मंत्री जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा उन्हीं से जानते हैं। लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, क्या जानकारी मिल रही है अभी तक ये हाथरस में जो हादसा हुआ है इसके बारे में आपको? सर देखिए, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि ये एटा हाथरस बॉर्डर पर जो प्रवचन के दौरान भगदड़ मच के दुखद हादसा हुआ है, मैं तत्काल वहाँ मौके पर पहुँच रहा हूँ, और निर्देश हमने अधिकारियों को दे दिए हैं कि तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचा के उनका इलाज कराया जाए, और जो भी निष्पक्ष जांच करने के बाद जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर सर इतनी अव्यवस्था, मतलब वहां जो परिजन मौजूद है अस्पताल के बाहर वो कैमरे पर आकर रो रहे हैं सर, वो बता रहे हैं कि डॉक्टर कोई नहीं है, ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं है, यहाँ तक कि स्वास्थ्य कर्मी तक नहीं है जो ड्रिप लगा सके। सर इतनी बद इंतजामी, लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, हमने हाथरस आगरा अलीगढ़ हमारे सारे अधिकारी पहुंच गए हैं वहाँ, और सभी ही इंतजाम किए जा रहे हैं, सारे हॉस्पिटलों से डॉक्टरों को भी बुलाया गया है, पूरा इंतजाम घायलों की देखरेख का किया जा रहा है, पूरा इलाज कराएंगे। सर ये सूचना देर से मिली क्या आप लोगों को? क्योंकि हम जो तस्वीरों में दिखा रहे हैं और जो वहाँ पर परिजन मौजूद हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया, उनमें तो बहुत ज्यादा रोष है, वो कह रहे हैं कि डेढ़ घंटे तक तो कोई है ही नहीं यहाँ पर, और ऐसे में ये निर्देश जो आप दिए गए हैं आसपास के जिलों के अस्पताल को, वो कब दिए गए सर? देखिए जैसे ये एक धार्मिक कार्यक्रम था, अब इस धार्मिक कार्यक्रम के बारे में कहीं पहले से इस तरह का तो कोई वो था नहीं जी, यदि पहले से होता तो वहाँ सारी व्यवस्थाएं भी की जाती, ये अचानक ही ये खबर हुआ और हाथरस से अलीगढ़ से सारे अधिकारी पहुंच रहे हैं, मैं तत्काल मौके पर पहुंच रहा हूं। ठीक है सर, अभी तक का अपडेट आपको क्या मिल रहा है सर, मरने वालों का आंकड़ा? पूरी तरह से व्यवस्था की जा रही है, पूरी तरह से व्यवस्था करेंगे, सभी घायलों का पूरी तरह से इलाज कराया जाएगा। तो सर आपके पास तो जानकारी मिल रही होगी मंत्री जी, आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली है अभी तक, मरने वालों और घायलों के आंकड़े को लेकर क्या जानकारी देंगे आप एबीपी न्यूज को? मैंने कहा ना, मैं अभी पहुंच रहा हूँ मौके पर। वहां मौजूद अधिकारियों ने सर अभी तक आपको क्या जानकारी दी है? ये अधिकारियों ने मुझे ये जानकारी दी है, तुरंत एम्बुलेंस और उनकी व्यवस्था कर दी गई है और घायलों का इलाज प्रारंभ हो गया है। अभी स्थिति सर काबू में है? है? अभी हालात कंट्रोल में है सर? हाँ हालात कंट्रोल में है। और सर वो जो फुलरई गांव में वो सत्संग में शामिल होने के लिए बताया जा रहा है 50,000 के आसपास लोग पहुंच गए थे, उनकी भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, शायद वो अभी भी वहीं फंसे हुए हैं सर, उनकी वापसी का कोई इंतजाम किया जा रहा है, कोई व्यवस्था की जा रही है सर? हाँ पूरी तरह से व्यवस्था कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगा है क्योंकि खबर होने में ही देर लगी है, पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, जो ठीक है उनको घर वैसे पहुंचाया जाएगा, बाकी ही सबका इलाज करके और सबकी देखभाल करके सभी को पूरी तरह से व्यवस्था की जा रही है। बड़ी बात कह रहे हैं मंत्री जी, एबीपी न्यूज को बहुत अहम जानकारियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए खबर होने में देर लगी और जैसे ही खबर आई फौरन सरकार जो है वो एक्शन में आ गई है, सारी व्यवस्था की जा रही है, डॉक्टर्स की टीम से लेकर जो वहां पर भीड़ अभी भी मौजूद है, जो श्रद्धालु सत्संग में शिरकत करने के लिए गए थे, अब उनको वापस सुरक्षित उनके घर भेजने की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की जा रही है। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश इस वक्त मौजूद है। राकेश आप तो एटा मेडिकल कॉलेज पर है ना, इसके अलावा आसपास के जिलों के और कौन कौन से ऐसे अस्पताल हैं जहां पर घायलों को लेकर जाया जा रहा है? ये कि आपको बता दूं, एटा जनपद के अलावा हाथरस है, कासगंज है, आसपास के जो अस्पताल हैं उनमें भी घायलों को और मृतकों को ले जाया जा रहा है। कुल मिलाकर ये आंकड़ा अभी कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई है,
केवल एटा में 27 लोगों की डेड बॉडी आ चुकी है, कुछ घायल भी हैं जिनका इलाज चल रहा है। कुल बताकर मतलब सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, यहाँ डॉक्टर्स भी नहीं हैं, यहाँ पूरा पर्याप्त स्टाफ भी नहीं है और लोग अपनों अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। कुल मिलाकर जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से बद इंतजामी के उस पर लगी हुई है, कोई किसी की सुध लेने वाला यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ डॉक्टर्स का पर्याप्त इंतजाम है आसपास के इलाकों से, क्या यहाँ पर भी डॉक्टर्स की कोई टीम पहुँची है राकेश? देखिए यहाँ डॉक्टर्स का टीम तो पहुँची है, यहाँ के सीएमओ डॉक्टर उमेश त्रिपाठी पहुँचे थे, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि जो डेड बॉडीज आ रही है उनको रखकर उनकी शिनाख्त की जा सके, उनके परिजनों को सूचित किया जा सके। कुछ घायल भी यहाँ पहुँचे हैं, उनका इलाज चालू करा दिया गया है, लेकिन चूंकि घटना एक साथ सामने आई इसलिए जो भी प्रशासन के इंतजाम थे वो धरे के धरे रह गए। कोई भी इंतजाम जो सिस्टमेटिक होता है वो नहीं हो पाया। फिर भी यहाँ एटा के एसएसपी राजेश कुमार सिंह और यहाँ के जिलाधिकारी, सारे प्रशासन के लोग, एडीएम सारे आ चुके हैं। अब धीरे धीरे शिनाख्त भी जारी है और जो परिजन हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है उनका पहुंचने का सिलसिला भी यहाँ जारी है। कुल मिलाकर ये बहुत बड़ा हादसा है उत्तर प्रदेश का। और मैं आपको रोक रही हूँ, इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है, दुखद खबर आ रही है। हाथरस हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 50 पर पहुंच गया है, इस वक्त की बड़ी खबर और बेहद दुखद खबर है ये। हाथरस में सत्संग में शामिल होने गए थे ये श्रद्धालु और अब डीएम ने 50 लोगों की मौत की पुष्टि की। जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय उमस के, अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। लगभग कितने लोगों की मरने की इसमें पुष्टि हुई है? देखिए अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताना पाना संभव नहीं है। जी यहां पे जो अभी सीएचसी से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर एक हैं जिन जो मृतक हुए हैं। इसकी परमिशन एसडीएम साहब द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच कमेटी जांच भी गठित की गई है। जी एग्जैक्ट ये जांच में सब निकल आएगा, एग्जैक्ट अभी ये इस स्थिति में मैं नहीं हूँ कि बता सकूँ। अभी हमारा फोकस, जिला प्रशासन का फोकस ये है कि जितने भी घायल हैं और मृतक हैं उनको जो भी शासकीय सहायता है और वो और जो उनको इलाज उपलब्ध कराना है वो तुरंत प्राथमिकता पे कराया जाए। ये हाथरस डीएम आशीष पटेल को आप सुन रहे थे और हाथरस के डीएम साहब कह रहे हैं कि मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 50 से 60 तक पहुंच सकता है, ऐसी जानकारी उनको मिली है, इसकी वो पुष्टि कर रहे हैं। लेकिन मीडिया में जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके बाद आशंका और किस रूप में गहराती हुई नजर आ रही है और वो मीडिया रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं अपने सहयोगी शीरिन के पास। बिल्कुल रोमारा, मैं आपको बताऊंगी कि मीडिया रिपोर्ट्स में इस हादसे को लेकर क्या जानकारी दी जा रही है, क्योंकि बेहद भयावह यह हादसा हुआ है। मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, डीएम को हमने सुना वो यहां पर 50 का आंकड़ा बता रहे हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये देखिए, ये दैनिक भास्कर की वेबसाइट जिस पर ये वीडियो, हालांकि इतनी भयानक और भयावह तस्वीरें हैं कि इसे ब्लर करके यहां दिखाया गया, नहीं दिखाया जा सकता। और यहां पर 122 की मौत, मतलब आप समझिए कि ये दैनिक भास्कर के हवाले से खबर है, उसके रिपोर्टरों के जरिए ये बताया गया कि 122 की मौत, और उसने पूरा ये बताया रिपोर्टरों ने कि अस्पताल के बाहर बिखरी पड़ी हुई थी लाशें। बाकायदा भास्कर के रिपोर्टरों की तरफ से ये बताया गया रोमाना कि जब वो वहां पर पहुंचा तो वहां लाशें बिखरी हुई थी, बाकायदा उसने गिना उन तमाम लाशों को, और ये आंकड़ा फिलहाल दैनिक भास्कर की तरफ से। हालांकि जो अभी ऑफिशियल जानकारी है उसके हिसाब से तो आंकड़ा 50 तक पहुंचा है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स डरा देने वाली है रोमाना।
तो देखिए डीएम साहब जो है वो 50 से 60 लोगों की मौत की पुष्टि कर रहे हैं, कह रहे हैं उन्हें जो अस्पताल के अधिकारी हैं उनकी तरफ से सूचना दी गई है और जो मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है, ग्राउंड पर जो रिपोर्टर्स होंगे अलग अलग मीडिया हाउसेस के, जैसे कि शिरीन जानकारी दे रही थी, दैनिक भास्कर ग्रुप उसके जो रिपोर्टर मौजूद हैं वो अपनी आंखों देखी बता रहे हैं 122 लोगों की मौत की पुष्टि मीडिया हाउसेस की तरफ से की जा रही है, अलग अलग मीडिया हाउसेस, और वहां जो ग्राउंड पर रिपोर्टर्स हैं वो बता रहे हैं कैसे उनकी आंखों के सामने जो है वो लाशें बिखरी हुई नजर आ रही हैं। और ये तस्वीरें तो एबीपी न्यूज पर हम भी आपको दिखा रहे हैं कैसे अपनों के जो शव कहा जाए इनको या फिर इनको बेहोश हालत में मरीज कहा जाए ये कह पाना मुश्किल है क्योंकि जान इनमें बिल्कुल नजर नहीं आ रही, बिल्कुल बेसुध पड़े हुए ये शरीर, जान बाकी या नहीं ये मैं नहीं कह सकती हूं लेकिन इन्हीं का जिक्र जो है वो अलग अलग रिपोर्ट्स में किया जा रहा है। डीएम खुद 50 से 60 लोगों की मौत की पुष्टि करके गए हैं। मैं सीधे आपको एक बार फिर से ग्राउंड पर लेकर चलूंगी और हाथरस में यह हादसा हुआ है बिल्कुल नजदीकी अस्पताल एटा का मेडिकल कॉलेज जहां हमारे सहयोगी राकेश इस वक्त मौजूद हैं और खुद राकेश बता रहे हैं कि 27 शव तो यहीं एटा के इस मेडिकल कॉलेज में जब पहले पहुंचे थे राकेश उसी समय उन्होंने देखे थे और अभी आंकड़ा कहां तक पहुंचा है, आपको क्या अपडेट मिल पा रहा है इस समय राकेश? देखिए आपको बता दूं एटा में 27 डेड बॉडीज आ चुकी हैं और बाकी और शवों के आने का सिलसिला जारी है। यहाँ जिला प्रशासन भी पहुंच चुका है, सीएमओ पहुंच चुके हैं, मेडिकल कॉलेज के अधिकारी हैं। कुल मिलाकर पहली प्राथमिकता यह है कि उनको चिन्हित किया जाए, अभी चिन्हित ही नहीं किया जा सका है कि आखिर मरने वाले हैं कौन। और बेसब्री इतनी कि जो जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है वो अपने परिजनों का मुंह देख लेना चाहते हैं, वो पहचान खुद कर लेना चाहते हैं, वो प्रशासन के भरोसे नहीं रहना चाहते और अपने जो परिजन हैं, जो मृतक हैं, उनको खुद देखकर पहचानने की होड़ लगी हुई है। हालांकि पुलिस प्रशासन रोक रहा है लेकिन आप देख रहे होंगे मेरे पीछे भीड़ का तांता लगा हुआ है। जैसे ही परिजन आते हैं, क्योंकि उनसे बहुत से लोग बिछड़ भी गए हैं तो उनको ढूंढने का भी प्रयास जारी है। कुल मिलाकर अफरा तफरी के इस माहौल में उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हादसा है और जिसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हादसा है, जवाबदेही जिम्मेदारी सब तय होगी लेकिन फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अभी जमीन पर हालात किस तरीके के हैं, वो जो घायल हैं उनको किस तरीके से बेहतर इलाज मिल पाए और वो जो अपनों से बिछड़ गए हैं उन्हें जल्दी से जल्दी अपनों से मिलवाया जा सके और वो जो शव वहां पर इस वक्त बिना किसी पहचान के पड़े हुए हैं उनकी शिनाख्त की जा सके। फिलहाल प्राथमिकता इन्हीं तमाम बातों को देनी है क्योंकि जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भयावता बता रही हैं इस पूरे हादसे की जो हाथरस में हुआ है। सीधे एक बार फिर से आपको शिरीन के पास लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं शिरीन से कुछ और मीडिया रिपोर्ट्स, दर्शकों को उसके बारे में जानकारी दीजिए। शिरीन वो क्या बता रही है इस हादसे के बारे में? आधिकारिक रिपोर्ट जो भी हो लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स डरा देने वाली है। मैंने अभी आपको दैनिक भास्कर की तस्वीर दिखाई जहां के रिपोर्टों के मुताबिक आंकड़ा 122 का है। अब जरा आप ये देखिए, ये दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी हेडलाइन है सामने आई हाथरस में भगदड़ की असल वजह और नीचे देखिए अब तक 100 से ज्यादा की मौत, यहां 100 से ज्यादा की मौत की पुष्टि दैनिक जागरण कर रहा है। तो दैनिक भास्कर के बाद अब ये दैनिक जागरण का आंकड़ा जो बताता है कि अब तक 100 से ज्यादा मौत। और देखिए ये रिपोर्ट बता रही है कि कैसे ये भयानक है, यानी कि बहुत बड़ा आंकड़ा हो सकता है। अच्छा, इसी रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं, यहाँ दैनिक जागरण की रिपोर्ट ये बता रही है कि बाबा का दरअसल काफिला निकालना था इसीलिए लोगों को रोक दिया गया था, गेट भी पतला था वहीं से लोगों को निकाला जाना था और इसीलिए भगदड़ मची क्योंकि पहले काफिला निकल रहा था, लोग वहां पर जो थे, जाहिर है गर्मी है, उमस है, बारिश का मौसम है, तो ऐसे में तमाम तरह की चीजें फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए सामने आ रही रोमाना। और दैनिक जागरण के मुताबिक 100 से ज्यादा का आंकड़ा फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स में। तो लगातार शिरीन हमें अपडेट्स दे रही हैं अलग अलग मीडिया में किस तरीके की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। दैनिक जागरण के हवाले से हमने बताया मरने वालों का आंकड़ा 100 से ज्यादा, दैनिक भास्कर के हवाले से हम आपको बता रहे हैं मरने वालों का आंकड़ा 122, खुद डीएम की तरफ से ही अब तक 50 से 60 मौतों की पुष्टि कर दी गई है। ये तो हाथरस के डीएम जो है आशीष पटेल वो कैमरे पर आकर ऑन रिकॉर्ड पुष्टि करके गए हैं। अच्छा, हैरानी मुझे इस बात की हो रही है कि ये भोले बाबा जिनका सत्संग वहां पर सुनने के लिए ये हजारों की भीड़ मौजूद थी, इतना बड़ा हादसा हो गया है, वो निकले, उनके पीछे पीछे ये श्रद्धालु निकले और बहुत से लोग तो ये भी बता रहे हैं कि श्रद्धालु बस भोले बाबा की एक झलक पाना चाहते थे, भोले बाबा से ये आशीर्वाद लेना चाहते थे। और जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में बात सामने आ रही है कि साहब जो बाहर निकलने का रास्ता था वो बहुत संकरा था और जिस समय भोले बाबा जो है वो बाहर जा रहे थे उस समय पुलिस ने बंदिश लगा दी, भोले बाबा को बाहर निकालने के चक्कर में अन्य लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई और देखते ही देखते हालात इतने बिगड़े कि वो इस भगदड़ में तब्दील हो गए और खुद डीएम
किस तरीके से पुष्टि कर रहे हैं कि इस हाथरस में हुए हादसे में अब तक 50 से 60 लोगों की मौत हो चुकी है। सुनिए जरा एक बार। जनपद हाथरस में तहसील सिकंदरा अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय उमस के अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। लगभग कितने लोगों की? देखिए अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताना पाना संभव। यहां पे जो अभी सीएचसी से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर एक हैं जिन जो मृतक हुए हैं। इसकी परमिशन एसडीएम साहब द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था, जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच कमेटी जांच भी गठित की गई है। तो हाथरस के डीएम को आप सुन रहे हैं और देखिए अब प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा था कि बाहर तक ही हमारी जिम्मेदारी सीमित थी, अंदर जहां सत्संग हो रहा था वहां की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है, व्यवस्था की जिम्मेदारी है, वो आयोजकों ने खुद ली हुई थी। लेकिन हादसा तो हुआ है और इस हादसे के बाद जवाबदेही भी और जिम्मेदारी भी दोनों तय की जाएगी। हादसे में अभी तक 50 से 60 लोगों की मौत की पुष्टि तो खुद प्रशासन की तरफ से की जा रही है, खुद डीएम इसकी पुष्टि कर रहे हैं और वहीं जो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं उसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान जाने की अब तक बात कही जा रही है। एक मीडिया हाउस तो बता रहा है कि उसका जो ग्राउंड पर रिपोर्टर है उसने जानकारी दी है कि हाथरस हादसे में अब तक 122 लोगों की जान चली गई है। और पता है आपको, मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं हैं, मरने वालों में ज्यादातर बच्चे हैं जो दबकर मरे हैं। दबे होंगे, कैसे सांस घुटी होगी, कैसे दम निकला होगा, अगर आप जरा सा सोचेंगे तो आप एहसास कर पाएंगे उस दर्द उस पीड़ा का जैसे इनके प्राण निकले होंगे। और क्यों? क्योंकि सत्संग सुनने के लिए गए थे, भोले बाबा की श्रद्धा में उनका आशीर्वाद लेने के लिए। जिस समय सत्संग खत्म हुआ भोले बाबा के पीछे पीछे निकल पड़े, लेकिन वहां पर व्यवस्था ऐसी थी कि भोले बाबा के लिए जाहिर सी बात है भोले बाबा हैं तो उनके लिए वीआईपी ट्रीटमेंट होगा। जिस समय भोले बाबा निकल रहे थे तो वो संकरी सा एग्जिट जो अन्य श्रद्धालु थे जो आम लोग थे उनको रोक दिया गया और देखते ही देखते हालात इतने बिगड़े कि यहां पर ये वो घटनास्थल है। अब देखिए किस तरीके से ये घटनास्थल पूरी तरीके से उजड़ा हुआ नजर आ रहा है और इस घटनास्थल को देखकर ऐसा लग रहा है कि खुले में ये आयोजन हो रहा था, बड़ा सा टेंट लगाया हुआ था। ऐसे में समझ पाना मुश्किल है कि किस तरीके से वो रास्ता इतना संकरा बना दिया गया। ये जानते बूझते कि जब भोले बाबा का सत्संग होता है तो इस पूरे इलाके में काफी प्रसिद्ध है, वो दूर दूर से लोग उनको सुनने के लिए पहुंचते हैं। और इस बार भी हाथरस में जब ये सत्संग चल रहा था तो अलीगढ़ से लेकर एटा, कासगंज, बुलंदशहर, तमाम आसपास के इलाकों से उन्हें सुनने के लिए यहां श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। लेकिन देखते ही देखते हादसा इतना भयावह जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं संजय से उन्हें अब क्या नया अपडेट मिल रहा है। संजय, देखिए इस घटना की जानकारी की जा रही, रोमाना जांच पड़ताल की जा रही है और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये फुलरई गांव में एक छोटी सी जगह पर ये कार्यक्रम चल रहा था जहां पर जो अनुमन्य संख्या थी वो उससे कई गुना लोग वहां पहुंच गए। जो प्रशासन का दावा है कि उसकी बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी और अंदर की बाबा ने खुद जिम्मेदारी ली थी, लेकिन भीतर की ओर कोई ऐसे इंतज़ाम देखने को नहीं मिले थे। इस घटना के जो विजुअल सामने आ रहे हैं उसमें भी साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि भीतर की ओर जिस तरह के इंतज़ाम का दावा बाबा की ओर से किया गया था वैसी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। और जब बाबा वहां से निकल रहे थे तो उनको सेफ पैसेज पार्टी, आप आगे अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, एक जानकारी यहां पर दर्शकों को दे देते हैं। देखिए मृतकों के परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। कैसे हुआ है जी? एकदम सत्संग हुआ था जी, भोले बाबा का। हाँ, भोले बाबा का। कहाँ पर? सिकंदरा राव। सिकंदरा राव जी। तो माँ एकदम हत खत्म है गा, खत्म है के बाद एकदम भाग छूटे सब लोग, हथका सब भागे तो माँ सड़क ऊंची नीचे हथका है वो नालो सो। हाँ। तो गांव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक भगदड़ मचने से भगदड़ दबने से मौत हुई दबने से
कितनी भीड़ थी वहाँ? हाँ बहुत भीड़ थी, बहुत। कितने लोगों की मौत हुई होगी लगभग? अब मुँह तो मालूम नहीं है, बेचारों लोग कितकू गए कितकू नहीं गए। 27 डेड बॉडियाँ एटा में आ गई। हाँ कितनी मौतें हुई होंगी आपके हिसाब से? अब और ज्यादा है गई होंगी। हाँ देखो मेरी तो एक है पड़ोसन। आपके कौन खत्म हुआ है? मेरी पड़ोसन है। क्या नाम है उनका? गंगा देवी। कहाँ की रहने वाली हूँ? अलीगढ़ के झोरे मडरा। क्या नाम है उनका ये खत्म हुई? गंगा देवी। गंगा देवी। हाँ तो और कितने लोगों की मौत हुई है कुछ पता है? मोना पता। अब मैं तो जे पनी देख नहीं। तो कब से जुड़ी हुई आप भोले बाबा से? मैं तो आज आई गई मर्गी का जे ही कहती आसना तक किला रही चलो 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 माटो। इसमें विष्णु का अवतार भी कहते हैं लोग, तो विष्णु का अवतार है और फिर हादसा हो गया। हम तो आज 11 बजे आए। कितने बजे हादसा हुआ? जब बंद हुआ जब? हाँ बंद भयो का तो अब क्या 11 बजे आए हम तो 1 बजे हो के 1.5 बजे हो गो इतना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेशा। दुर्गेश जी ये हादसा कहाँ पर हुआ है और कैसे हुआ है? सत्संग मैया भैया वो एकदम जब प्रभु जी उठ के चले गए तब संगत एकदम बाटाड़ी भाई। हाँ। और वहाँ कींच भी थी थोड़ी बहुत। हाँ। तो दलदल में फंस गए सब लोग, एक दूसरे के ऊपर गिर के करते चले गए। दलदल की वजह से बच्चा मेरे दोनों दो नीचे के बच्चे? हाँ मेरे दो बच्चे हैं। खत्म हो गए? हाँ। कितने कितने बड़े बच्चे थे? एक 3 साल की मेरी बिट्टू हुई काव्या। हाँ और? एक 9 साल को चोरा मेरो। कितने लोगों की मौत हुई है इसमें? हमें मैया बहुत लोग भैया हाल साहब। कितने लोग होंगे लगभग? लगभग होंगे करोड़ों पता नहीं। तो बहुत इंसान खत्म है। बहुत भीड़ थी उसमें? भीड़ बहुत थी। मरने वालों की संख्या कितनी होगी कुल? बहुत भैया भाई। आप भी आपके सामने आपके बच्चों की मौत हो गई? हाँ नीचे दब गए थे ना, ऊपर से रे पब्लिक बात आड़ी भाई तो दब नीचे दबे पड़े रहे। कहाँ पर हो रहा था इस सत्संग? हमें जब नहीं तो चंद्रा राव हतरस में। हाँ हमारे साथ में एटा के जिला अध्यक्ष संदीप जैन जी। अजय जी क्या हुआ है, ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें कितने लोगों की मौत हुई है? क्या अभी एक सत्संग चल रहा था जो कल से चल रहा है? कहाँ पर? सिकंदर राव से थोड़ा पहले है। हाँ जनपद हाथरस है लेकिन चूंकि पास में ईटा पड़ता है हाईवे भी है तो कुछ अभी मुझे मालूम पड़ा था आधा घंटे पहले कि कुछ दुर्घटना हुई है भाग दौड़ में, उसमें कुछ बॉडी आ गई थी हमारे, हम लोग देखने आए थे। ये बड़ी दुर्घटना है। कितने लोगों की सर मौत हुई है? लगभग हमारे ईटा में जो आई है अभी 27 लोग, 27 से 23 महिला है, एक पुरुष और 3 बच्चे है उसमें जी। और घायल भी आए हुए? हाँ घायल भी आए हैं, एक दो घायल है, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। बताया जा रहा है हाथरस और अलीगढ़ में भी सब ले वहाँ पे भी घायल। हाँ बता रहे हैं वहाँ पर भी गई है लेकिन वहाँ की गिनती मुझे नहीं मालूम, ईटा की मुझे मालूम। बड़ा हादसा हुआ है? नहीं बड़ा हादसा हुआ है और चिंताजनक भी है सर। ऐसी मौत, ये जो आयोजक है ये भोले बाबा, पहले भी इनके सत्संग में कई तरह की घटना हुई है, क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? लाखों की भीड़ जुटाते हैं। कार्रवाई वगैरह तो जी बात की है, अभी तो हमारा सिर्फ लोगों संवेदनशील जो आए हुए हैं इनके लिए एक कुछ कर सकते हैं हम लोग, वो करेंगे, व्यवस्था करा रहे हैं, अधिकारी भी सब लगे हुए हैं। ये तो बात की बात है। क्या हुआ पहले भी सर कई लोगों की मौत हो चुकी, कभी एक्सीडेंट से कभी इनके उसमें कुचल के पहले भी कई लोगों की, मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई इन पर? हो गई है लेकिन जांच का विषय बाद में अधिकारी लोग हमारे तब देखेंगे, बात जांच करेंगे, लेकिन इतना है कि बहुत दुखद घटना है ये, क्योंकि सब परिवार है वो हम ही लोगों के परिवार हैं सब, चाहे किसी के हो और सब। परिजनों को सर क्या मुआवजा दिया? मुआवजा अभी देखते हैं, अभी तो आए हैं। हाँ बिल्कुल घोषणा कुछ नहीं हुई लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे। हादसे के चश्मदीदों को आप सुन रहे थे, आज की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक हृदय विदारक हादसा हुआ है, शाम के 6 बजने को हैं और एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का हाथरस का सिकंदर राव थाना, इसी क्षेत्र में फुलराई गांव पड़ता है। इस फुलराई गांव में भोले बाबा का सत्संग चल रहा था और जब सत्संग खत्म हुआ उसके बाद यहां भगदड़ मच गई। अभी तक मरने वालों का आंकड़ा, जो औपचारिक आंकड़ा सामने आया है प्रशासन की तरफ से, डीएम ने ऑन कैमरा जो आंकड़ा दिया है वो 50 से 60 लोगों की मौत का है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही हैं कि मरने वालों का आंकड़ा और ज्यादा बड़ा हो सकता है। और ऐसे में हाथरस में हुआ क्या, जरा ये शुरू से आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देती हूं। हाथरस जिले का सिकंदरा राव थाना क्षेत्र, यहीं पर फुलराई गांव, इसी फुलराई गांव में भगदड़ मची।
सत्संग चल रहा था और सत्संग के दौरान यहां भारी भीड़ जुटी हुई थी। भोले बाबा का सत्संग, इस सत्संग में महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे। भोले बाबा नाम के संत हैं। ये संत इस पूरे क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हैं, बड़े लोकप्रिय हैं और इनका सत्संग सुनने के लिए आसपास के तमाम जो जिले हैं वहां से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। जैसे ही दोपहर के समय इनका सत्संग खत्म हुआ, उसके बाद भीड़ जो है वो जाने के लिए बाहर निकली और अब जिस तरीके से चश्मदीद कैमरे के सामने आ रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं कि रास्ता बाहर उबड़ खाबड़ था, बारिश की वजह से कुछ कीचड़ सी भी थी, कुछ दलदल सा भी था, वहां पर कुछ लोगों का पैर फिसला, कुछ लोग गिरे और फिर देखते ही देखते भगदड़ मच गई। आगे निकलने की होड़ में ये भगदड़ बढ़ती चली गई। इस भगदड़ में एक दूसरे के ऊपर लोग गिरने लगे, कुचलने की वजह से महिलाओं बच्चों की, दम घुटने की वजह से महिलाओं बच्चों की मौत हो गई। गर्मी और उमस के इस मौसम में एक के ऊपर एक जब लोग गिरे होंगे तो जरा सोचिए किस तरीके से दबे होंगे और कैसे उनकी सांस घुटी होगी जिसकी वजह से मौत हुई। और ऐसे में ये बाबा, नाम भोले बाबा, जिनका सत्संग था, उन्हें जान लीजिए कौन है ये भोले बाबा। नारायण साकार हरि, सफेद सूट और टाई पहनकर ये प्रवचन देते हैं। जी, ये पैंट शर्ट पहनने वाले बाबा हैं। मूल रूप से एटा जिले के बहादुर नगरी के ये बाबा रहने वाले हैं। खुफिया विभाग में सरकारी नौकरी किसी समय में ये बाबा किया करते थे। 1990 में इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी, उससे इस्तीफा दिया। नौकरी छोड़ने के बाद ये आध्यात्म में रम गए। कोरोना में सत्संग करके चर्चा में आए थे। पत्नी के साथ मंच से प्रवचन करते हैं। इनका मंच जो है उसका भी जो स्वरूप है वो अलग ही तरीके का होता है। जिस तरीके से नवविवाहित जोड़े के लिए या शादी के समारोह में जोड़ों के लिए जिस तरीके से कुर्सियां या सोफे रखे जाते हैं, उसी तरीके से मंच पर इनकी दो आलिशान कुर्सियां रखी जाती हैं, उस पर अपनी पत्नी के साथ ये बैठते हैं और फिर वहां से ये प्रवचन देते हैं। सत्संग को मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम ये कहा जाता है। तो ये नारायण साकार हरि, ये जो बाबा हैं, भोले बाबा के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, जिनके सत्संग में ये भगदड़ मची है, उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। फिलहाल देखिए ये जो हादसा हुआ है, मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ कि बेहद दिल दहलाने वाला ये हादसा है, हृदय विदारक ये हादसा है। और खासतौर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो ऐसी तस्वीरें हैं कि हम सीधे आपको वो तस्वीरें दिखा नहीं सकते, इसी वजह से धुंधली करके, ये ब्लर करके हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन तस्वीरें दिखाना जरूरी, इसीलिए तस्वीरें दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि ये हादसा कितना बड़ा हादसा हुआ है उत्तर प्रदेश के हादसे में।